पढ़ेंगे पाठ्यपुस्तक। इसके पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी 2005 के भाषा शिक्षण या अन्य शिक्षण को हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोग पढ़ेंगे पाठ्यपुस्तक, मानी किसी भी कक्षा कक्ष में एक अध्यापक के लिए पाठ्यपुस्तक का क्या रोल, क्या भूमिका है। तो सेकंड अध्याय अगर हम लोग देखेंगे तो पाठ्यपुस्तक के नाम से होगी। चलिए इसको भी पढ़ते हैं। देखिए भाषा की जो पुस्तकें होती है, किसी भाषा की जो पुस्तकें होती है ये केवल मतलब ऐसी सामग्री नहीं होती जिससे बच्चे रटे, बल्कि ऐसी अध्ययन सामग्री होती है इसे बच्चों के साथ मिलकर एक अध्यापक को क्या चाहिए, गाना चाहिए, जो कविता है गाना चाहिए, अभी कविता भी आपके सिलेबस में है, कहानी सुनाना चाहिए, भाषक को रोचक खेल का एक जरिया एक माध्यम बनाना चाहिए। भाषक क्या होना चाहिए, एक रोचक खेल का जरिया एक माध्यम बनाना चाहिए ताकि बालक उससे खेल खेल में सीख सके, ताकि उसे इस बात का डर हट जाए कि पाठ्यपुस्तक को रटना है, याद करना, इस डर को बालक के अंदर से पूरी तरह से खत्म करना है कि पाठ्यपुस्तक रटने का एक साधन नहीं है। बच्चों को स्वयं सोचकर कुछ करें, मतलब बच्चों को स्वयं सोचकर कुछ करें, पढ़ने लिखने के लिए बेझिझक होकर स्वयं को अभिव्यक्त करें, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो, मतलब स्कूल में भी वो अपने घर जैसा वातावरण ढूंढे, ऐसा आपको करना है ताकि उनके अंदर इस बात की बोझ ना बन पाए कि पाठ्यपुस्तक उनके पीठ पर उनके दिमाग पर एक बोझिल सा सौदा है या बोझिल सी एक पाठ्यपुस्तक है। उन्हें आपको इस तरह से पढ़ाना है कि कक्षा कक्ष में भी वह अपने घर जैसा अनुभव करे। हमारी बातों को ध्यान से सुनते चलिएगा और फिर आप सीटेट के पेपर सॉल्व करेगा, आप अपने आप में खुद एक आत्मविश्वास प्रेरित महसूस करिएगा। देखिए दुनिया को समझने के लिए भाषा एक बढ़िया औजार काम करती है, दुनिया को समझने के लिए जो भाषा है एक बढ़िया औजार का काम देती है जिसमें इसलिए दुनिया को बच्चों की नज़र में देखने और दुनिया में जिंदगी में भाषा के महत्व को समझने की बड़ी आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि दुनिया को बच्चों को नज़र में देखने के लिए भाषा सबसे बड़ा साधन होता है। माने कि दुनिया को कैसे समझाएंगे, जब तक बालक को भाषा समझ नहीं विकसित होगी, जब तक वो भाषा नहीं समझेगा आप कैसे उन्हें समझाएंगे। कल्पना करिए आप कक्षा कक्षे में बैठ कर पढ़ा रहे हो, आप हिंदी भाषी एक अध्यापक हो और आपकी क्लास में कोई तमिल भाषी बालक आ जाए तो आपको अपने बारे में या बालकों के बारे में, पर्यावरण के बारे में या भाषा के बारे में कोई चीज़ समझाना होगा, क्या वो समझ पाएगा? नहीं, क्योंकि आपकी भाषा उसे समझ में नहीं आएगी। और जब तक आपकी भाषा उस बालक को समझ में नहीं आती तब तक वह दुनिया को समझ नहीं सकता। माने दुनिया को समझने के लिए उसे क्या चाहिए, एक नज़र चाहिए, कौन सा, वो भाषा का नज़र हो सकता, माने बिन भाषा का वो नहीं सीख सकता। मतलब अगर अध्यापक थोड़ी सी चतुराई दिखाए, अगर थोड़ा सा अपने विवेक का प्रयोग करे तो बालकों को भाषा को सिखाने के लिए आनंदमयी बनाया जा सकता है। इससे बालक भाषा को आसानी से सीख सकता है। माने एक अध्यापक अगर कुछ बातों का ध्यान रखे तो भाषा सीखना आनंदमयी और बनाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए गाकर हंसकर किस तरह से आपको भाषा को आनंदमयी बनाना है ये आपको भी हमारे साथ साथ सीखना होगा। जब बच्चा स्कूल आता है तो समृद्धि और विकसित ज्ञान के साथ, मतलब बालक जब विद्यालय आता है, जब हमारे प्रांगण में आता है तो उसके साथ साथ क्या होता है, वो समृद्धिशाली होता है, उसके पास विकसित ज्ञान होता है जो अपने प्रथम पाठशाला अर्थात परिवार या माँ से प्राप्त होता है। वो अपनी भावनाओं जरूरतों को अपनी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। जो बालक होता है वो क्या करता है, अपनी भावनाओं को अपनी जरूरतों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। अगर उसे प्यास लगती है, भूख लगती है, डर लगता है तो क्या करता है, अपनी भावना अपनी भाषा के माध्यम से क्या करता है, बालक व्यक्त करता है। हम लिखने का काम कम कर रहे हैं, समझाने का काम इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं कि आपको उसको सुनना है, समझना है। आपको नोट्स मिल जाएगी, नोट से आप अध्ययन अध्यापन कर दिएगा, फिर प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हम देखते हैं वह अपने आसपास बोली जाने वाली भाषाओं, वह अपने आसपास की बोली जाने वाली भाषाओं को अनेक संदर्भों मैंने अनेक संदर्भ में अनेक परिस्थितियों में अनेक स्थितियों में उसे देखता है और उसका मनन करता है, फिर उसके बाद वह भाषा का अनुसरण करता है, जिस कारण बालक भाषा को आसानी से सीख पाता है। वह मौखिक भाषा के बारे में कुछ मान्यताएं, कुछ अवधारणाएं स्वयं बना लेता है। माने बालक जो मौखिक भाषा होती है उसकी मान्यताएं, उसकी अवधारणाएं वो स्वयं बना लेता है।
मन स्वयं सोच बैठता है। अगर जैसे अगर मौखिक भाषा कोई कह दे कि उस ग्लास को उठाकर यहाँ रख दो, उसके मन में एक अवधारणा बन जाती है, मैं यहाँ से उठकर जाऊँगा, फिर ग्लास को उठाऊंगा, यहाँ ला के रख दूंगा, यह उसके अंदर एक अवधारणा बनती है। किसके अंदर? बालकों के अंदर। वह अनुभव करता है कि भाषा के जरिए वह अपनी इच्छा को, अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को आपके सामने, व्यक्ति के सामने, दुनिया के सामने, समाज सामने रख सकता है। भाषा भी तीन प्रकार के होते हैं, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। वह तीनों का प्रयोग धीरे धीरे करना चाहता है। सबसे पहले वह सांकेतिक भाषा सीखता है, फिर वह मौखिक भाषा की तरफ अग्रसर होता है, और वह क्या करता है, इससे वो ज्ञान अर्जन कर पाता है। वो ये जान पाता है कि दुनिया को जानने के लिए, दुनिया को समझने के लिए, दुनिया को सीखने के लिए उसे भाषा की जरूरत होगी, और वह यह बात महसूस भी करता है कि भाषा के माध्यम से वह नया सीख सकता है, वह कुछ नया कर सकता है। भाषा नियमबद्ध होते हैं, हर भाषा के कुछ नियम होते हैं, भाषा नियमबद्ध होते हैं और हर भाषा के अपने अलग अलग कुछ नियम होते हैं। ऐसा नहीं है किसी भाषा को बिना नियम के तहत कह दिया जाए, नहीं बोला जा सकता। बिना नियम के न भाषा सीखी जा सकती है, न सिखाई जा सकती है। बच्चे भी भाषा के नियमों का पालन करते हैं, भले वे नियमों को बता ना पाए। जैसे अगर कह दिया जाए कि क्या कर रहे हो, तो कहता है कि आज राम स्कूल नहीं गया, तो यह क्या होता है, एक जो सेंटेंस होता है वह सेंटेंस कर्ता क्रिया कर्म को एक सटीक भाषा में बालक व्याख्या कर पाता है, बता पाता है, लेकिन उसे यह पूछ दिया जाए इसमें कर्ता क्या है, क्रिया क्या, कर्म क्या, वो बता नहीं पाएगा। किंतु जो सेंटेंस का प्रयोग करता है, जो बातें प्रयोग करता है, वो पूरी तरह से नियमबद्ध होते हैं, नियमों पर आधारित होते हैं, मतलब भाषा के पूरी तरह से नियमों का पालन करता है, बेशक बालक उसे बता ना पाए। बात को समझिएगा, वो सभी बातों को व्यक्त करने के लिए जब प्रयोग करता है, जब भाषा बोलता, तो भाषा पूरी तरह से भाषा के नियमों पर चलती है, भाषा के नियमों पर आधारित होती है। जबकि बालक से यदि नियम पूछ दिया जाए तो नियम नहीं बता पाता। तो बालक, इससे एक बात स्पष्ट होता है कि बालक के लिए भाषा सीखना और सिखाना बहुत ही आसान होता है। यदि परिवेश में बोली जाने वाली भाषा, यदि परिवेश में बोली जाने वाली भाषा को सुनकर क्या होता है, बच्चे बोलना सीख जाते हैं। वो कहाँ से, जैसे बंगाल में है तो बंगाली भाषा, तमिलनाडु में तमिल भाषा, उत्तर प्रदेश में तो हिंदी भाषा, हरियाणा में तो हरियाणवी भाषा, माने बिहार में है तो भोजपुरी, माने वह अपने आसपास का जो परिवेश होता है वहाँ के भाषा को सुनता है, सुनने के बाद क्या होता है, उस भाषा को सीख जाता है, और उसे जिस प्रकार की वातावरण मिलेगा, जिस प्रकार की समाज मिलेगा, उस प्रकार से वह नए नए भाषाओं का सृजन करेगा, वह नए नए प्रकार के भाषा सीखेगा, और भाषा सीखने में यह सहायक सिद्ध भी होगा। तो हमने ये देखा कि अगर कक्षा कक्ष में भी अगर एक भरपूर लिखित भाषा का एक इन्वायरमेंट बनाया जाए, एक पर्यावरण बनाया जाए, तो बालक पढ़ने लिखने में एक सहायक सिद्ध होगा, कि बच्चे के अंदर रुझान उत्पन्न होगा, बालक भी सीखना चाहेगा, वो भाषा का ज्ञान अर्जन करना चाहेगा। फिर हम आगे देखते हैं कि बच्चों को उनके अपने अनुभव उन्हें पढ़ने लिखने में प्रेरित करते हैं, उनके अनुभव, आपके अनुभव, इन दोनों लोग के अनुभव एक साथ मिल जाए तो उन्हें पढ़ने लिखने में आत्म प्रेरित करते हैं, इससे बालक और पढ़ने का प्रयास करते हैं, बालक उसे भाषा को सीखने का भरपक प्रयास करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं पढ़ने लिखने के बारे में इस बात पर बल देना जरूरी है, मतलब पढ़ने लिखने के बारे में अगर हम देखें तो इस बात पर बल देना जरूरी है कि जो बच्चे होते हैं भाषा का प्रयोग केवल पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और बोलने के लिए ही ना करें, मतलब भाषा का प्रयोग केवल पढ़ने लिखने बोलने के लिए कदाचित ना करें, बल्कि उस भाषा का प्रयोग वह अनुमान लगाने के लिए, कल्पना करने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, तर्क करने के लिए आदि कार्यों के लिए करें। मतलब केवल भाषा का माध्यम ये नहीं है कि आप भाषा बच्चों को सिखा दिए, बच्चे ने सीख लिया, बोलना पढ़ना लिखना सीख लिया तो आपका धन अध्यापन कार्य पूरा हो गया। नहीं, बालक को जो भाषा सिखाएंगे उसका मूल मकसद ये होना चाहिए, बालक कल्पनाशील हो, बालक सृजनात्मक हो, बालक तर्क करे, बालक विश्लेषण करे, बालक अनुमान लगाए, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करे। इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि एक भाषा एक कक्षा में, कक्षा कक्ष में बालक ने भाषा सीखा और आपने भाषा सिखाया।
इस सारी बातों को नोट करना चाहिए, क्योंकि यह सारा सी टेट की एक एक लाइन की हम व्याख्या कर रहे हैं। और यह सारी बातें अगर आपके मनन है, ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठी हैं, तो आपको सी टेट में भाषा से क्षण में कोई भी माई कलाल स्कोर करने से नहीं रोक सकता, कोई भी माई कलाल आपको रोक नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें होती है वो बच्चों में इस तरह का वातावरण उपलब्ध करें ताकि वो उसमें संवाद स्थापित हो, वो बातचीत कर सके, अभिव्यक्त कर सके, माने वो रटने मात्र का एक साधन ना रह जाए। भाषा जो बच्चों को सिखाई जाए वह रटी रटाई वर्णमाला के आवरण से निकलकर स्कूल की दुनिया की से जो बाहर निकलकर गतिविधियों पर हो, माने रटने पर आश्रित न हो, माने जितनी भी भाषा से चढ़ो चाहे वर्णमाला का ही क्यों ना, वो रट्टा ना मारना। क्यों हम कहते हैं क से कबूतर, माने कबूतर को देखते उसके दिमाग में क, और क को देखते कबूतर का उसके दिमाग में प्रतिबिंब बनना चाहिए। किसके दिमाग में? बालकों के अंदर, बालकों के दिमाग में। जब तक वह प्रतिबिंब नहीं बनेगा तब तक बालक नहीं सीख पाएगा। बच्चे ऐसा करने के न सिर्फ आनंदित होंगे बल्कि क्या होगा, उनकी जो संवाद होंगे, उनके जो बातचीत होंगे, उनका भी आदान प्रदान होगा, वे भी एक दूसरे से आदान प्रदान कर पाएंगे। माने जो बालक होते हैं उन्हें रटने की दुनिया से कहाँ दूर ले जाना है, ताकि वह अपनी संवाद को, अपनी अभिव्यक्ति को बोल सके। रटने की दुनिया से उन्हें दूर ले चलना है। बच्चों के कौतूहल के शब्द दे पाना अध्यापक के लिए उनसे बात करना जोड़ने का सुनहरा अवसर देता है। जैसे हम पढ़ाते हैं, कभी आपने पढ़ाते हुए देखा है, हम पूरे कौतूहल कदर से करते हैं ताकि आपका ध्यान मेरे प्रति और मेरा ध्यान आपके प्रति बना रहे। और उसके लिए हम कभी नाटक का, कभी कॉमेडी का, कभी कहानी का अत्यंत सहारा लिया करते हैं ताकि आपका पठन पाठन के समय आपका ध्यान हमारी तरफ और हमारा ध्यान आपकी तरफ हो, ताकि जिस समय हम लोग अध्ययन अध्यापन काम कर रहे हैं उस समय अन्यत्र अत्यंत कोई भी अतिरिक्त काम ना हम कर सके, ना हमारे दिमाग में अनंत काम करने के विचार भी उत्पन्न हो सके। संवाद का यह सिलसिला बच्चों की जिज्ञासाओं के साथ साथ अपने अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास को भी भर देता है। मतलब जो संवाद करने का जो तरीका है, जो बच्चों में संवाद स्थापित करता है, मतलब यह केवल केवल आपको बालकों से जोड़ता नहीं, उनके डर को दूर करता है, उन्हें अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। मानक अगर हम देखा जाए, यदि हम लोग इस अभिव्यक्ति को बालक को जाना चाहिए, उसमें संवाद होना जरूरी है। उसलिए उन्हें बालकों को उनके ज्ञान अर्जन के लिए हमें स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, उन्हें गतिविधियों पर रखना चाहिए, और हमें उन्हें स्कूल की दुनिया से, बाहर की दुनिया से छोड़ कर रखना चाहिए। रटने की प्रवृत्ति पर जरा सा ही बल नहीं देना चाहिए। और जो पाठ्य पुस्तक का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें रचनात्मक सुविधाओं की गुंजाइश सदैव बनी रहती है, मतलब रचनात्मक जो गुंजाइश सदैव बनी रहती है, वह काम आप भी पूरा कर सकते हैं। इस संबंध में शिक्षकों को सुझाव और प्रश्नों को भी ध्यान में रखा गया है, जो प्रश्न होते हैं उसको भी ध्यान में रखा गया है। देखिए कहीं कहीं कठिन शब्दों के अर्थ आपको दिए गए होते हैं, और सीढ़ी का खेल शब्द कठिन है, इसका अर्थ बताना, मतलब इस तरह से बालकों को आप पढ़ाइए ताकि बालकों के अंदर एक रुझान उत्पन्न हो सके, बालकों के अंदर एक सीखने की जुनून उत्पन्न हो सके, और बालक स्वयं सीखे, क्योंकि जब तक वह भाषा नहीं सीखता तब तक वो क्या ज्ञान से जुड़ नहीं पाता। दूसरी बात, बालक को सीखने की मशीन नहीं समझना है, रटने की मशीन नहीं समझना, उन्हें जो पाठ्य पुस्तक है उसे अत्यंत सरल बनाना है। कविताएं, कहानियां, पाठ्य पुस्तक, गद्यांश, जो चीज़ें हैं उन्हें आप गाकर हंसकर पढ़ाएं, खेल खेल में पढ़ाएं, और पाठ्य पुस्तक का बोझ उनके ऊपर ना रहे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि उनके ऊपर कभी पुस्तकों का बोझ ना होने पाए। अगर इस सब बातों का ध्यान रखते हैं तो कक्षा कक्ष में पठन पाठक बहुत ही बेहतर तरीके से होगा। उससे भी बड़ी बात है कि आप एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे, और हम जानते हैं कि आप इस काम में पूरी तरह से निपुण हैं। ठीक इसी पाठ्य पुस्तक में बाल साहित्य को भी पढ़ लेते हैं। बाल साहित्य के पढ़ने से पहले आप स्वयं अगर आप जुड़े, यदि आपको लगता है नहीं आप सीटेट में बेहतर स्कोर कर पा रहे हैं, सीटेट हमारी वजह से आप बेहतर स्कोर कर पाए, तो अपने सभी साथियों को बताइएगा कि इलेनी दुर्गेश की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि वास्तविकता ये है सीटेट को सीटेट की तरह नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि कोई भी आप देखे होंगे इस तरह से सीटेट नहीं पढ़ाते, केवल सीटेट की बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
तो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनसे भी आपको बहुत दूर रहना है, क्योंकि आपको सलेक्शन लेना है और सलेक्शन लेने के लिए आपको पठन पाठन का तरीका बदलना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो 6306344367737355179012 पे कॉल कर दें तथा टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके सर्च करेंगे दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए और इलेन भी दुर्गेश क्या करेंगे वो सभी जुड़ जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला बाल साहित्य। देखिए अगर पाठ्य पुस्तक में ही बात करें तो एक तथ्य आपका आ जाता है बाल साहित्य। ठीक है, तो बाल साहित्य का पाठ्य पुस्तक के बाद अगला जो सेकंड नंबर आता है वो आपका आता है बाल साहित्य का। देखिए बाल साहित्य उसी के अंतर्गत आता है। देखिए अगर प्राथमिक स्तर में बच्चों को बाल साहित्य भरपूर दिया जाना चाहिए ताकि उनके जो पढ़ने लिखने के प्रति रुझान बढ़ सके। आप जानते होंगे जो बाल साहित्य होते हैं इनको पढ़ने के लिए बच्चे बहुत आनंदित होते हैं, वो आनंद के साथ इसे पढ़ते हैं और उसमें उनका पढ़ने लिखने का रुझान भी हो जाता है। और बाल साहित्य की जो भाषा होती है वो बनावटी ना हो, वो बड़ी बड़ी भाषा की व्याख्या ना करे, वह भाषा बच्चों की भाषा से मिलती जुलती है, वो उनकी आम बोलचाल की भाषा से मिलती जुलती है। उसमें जो शब्दों का प्रयोग किया जाए वो उनके आसपास की समाज पर्यावरण दुनिया से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे शब्दों का कदाचित प्रयोग नहीं हो जो शब्द उन्होंने कभी न सुना है न देखा है। उन्हें ग्रामर वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना, उनके बच्चों की भाषा वाले शब्दों का प्रयोग करना ताकि बालक के अंदर उसे पढ़ने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हो, रुझान उत्पन्न हो। फिर यह साहित्य न केवल बच्चों के लिए रोचक होता है बल्कि उनके पढ़ने लिखने में आदि में भी क्या होता है, यह सहायक होता है। क्या होता है, यह सहायक भी होता है। अब इसी में आता है कविताएं। इसी में क्या आता है आपका, कविताएं। अब कविताएं के बारे में अगर हम देखेंगे, देखिए ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक में ही बाल साहित्य होता है, फिर इसमें ही कविता होती है, तो कविता भी देख लेते हैं हम लोग। कविता, एक कविता क्या है, ये ऐसा पठन पाठन का एक ऐसा स्रोत है जिसे बालक आनंदित होकर पढ़ते हैं। यदि आप आनंदित होकर पढ़ाते हैं तो बालक भी इसमें आनंदित होकर खूब मजे के साथ पढ़ते हैं। माने श्रवण और पठन कौशल के विकास में कविता का आश्चर्यजनक योगदान होता है। बच्चों के लिए ऐसी कविता का चुनाव करना चाहिए जो क्या क्या हो, पंड बना के लिखते चलिएगा। पहला, मजेदार हो। क्या हो, कविता ऐसी हो जो मजेदार हो। आपने सुना होगा प्राथमिक विद्यालय में कद्दू जी की चली बारात, जो बच्चों को लय और संगीत प्रदान करे। मान दूसरा क्या हो, लय और संगीत भी प्रदान करे। कद्दू जी की चली बारात सुना होगा आप लोगों ने, ठीक, या हट कर बैठा चांद एक दिन, और उनकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को भी छूती हो। माने उनकी जिंदगी की पहलू, उनकी जो जिंदगी होगी उसकी पहलू को भी, पहलू को भी क्या करे, वो छूती हुई चले। वो कविता कैसी हो, उनकी जिंदगी की पहलुओं को भी क्या करते, स्पर्श करते हुए छूते हुए चले। उनकी जो भाषा हो वो बनावटी ना हो, मैंने भाषा कैसी हो, आस पास की भाषा हो, बालकों की भाषा हो, उसे जरा सा भी बनावटीपन न होने पाए, ताकि बालक को जब भाषा का उच्चारण करे तो तुरंत उनके दिमाग में उस भाषा का एक प्रतिबिंब बन जाए। इसकी जो भाषा है वो क्या हो, बच्चों की भाषा से मिलते जुलती हो। इतनी चीजें होनी चाहिए संगीत में, कविता में, ताकि बालक भाषा को सीख सके और उसे सीखने के लिए और ज्यादा प्रेरित हो। और सभी अध्यापकों को कविता गाकर सुनने चाहिए ताकि बच्चों को भी गाने के लिए आप प्रेरित कर सके और बच्चे भी उसे गा गा कर प्रेरित हो, उस कविता क्या करे, गाएं और गा गा के क्या हो, उससे
प्रेरित हों और लयबद्ध तरीके से गाएं, उन्हें मजेदार लगे जो संगीत के साथ हो, उनकी जिंदगी के पहलुओं को अलग अलग स्पर्श करता हो, या जो भाषा हो उसमें बनावटपन जरा सा भी ना हो, वह जो कविता की जो भाषाएं हों वह उनके जीवन से, उनकी जिंदगी के, उनके आसपास की वस्तुओं से वो मिलती जुलती हो, ताकि जब वो कविता का गायन करे तो उनके दिमाग में उसके प्रतिबिंब बनते चले, उसके उच्चारण भी बनते चले। क्योंकि हम लोग केवल पठन पाठन का काम कर रहे हैं, इसलिए आपको बोरिंग तो नहीं लग रही है ना? अगर लगेगी तो जरूर बताइएगा। और हाँ, ये जो वीडियोस की सीरीज है, ये आपको परीक्षा को उत्तीर्ण करने के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों और साधनों में से एक है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोज काफ़ी बेहतर लग रही होगी। पसंद आना एक अलग बात है, लेकिन स्कोर करना बहुत अलग बात है। और हम चाहेंगे इस वीडियो को कम्प्लीट आप देखने के बाद, शिक्षण खत्म होने के बाद, आप जब जब पेपर सॉल्व करेंगे तब अपने दिल पर हाथ रखेंगे, ई लर्निंग विद दुर्गेश कोचिंग संस्थानी बेस्ट कोचिंग। आप सभी को शेयर करिएगा, सभी को बताइएगा, क्योंकि अगर आप सभी को शेयर करेंगे बताएंगे, इस वीडियो को मत करिएगा लेकिन अन्य वीडियो को आप खूब शेयर करिएगा, ताकि लोगों तक ये पहुंचे, लोग भी ये जाने कि वास्तव में ई लर्निंग विद दुर्गेश का प्लेटफॉर्म कितना बेहतर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में पाठ्यपुस्तक में एक आती है कहानी। क्या आता है? इसी के अंतर्गत कहानी आता है। अब देखिए, जिस तरह कविता को हम लोगों ने पढ़ लिया, अगर अब कहानी को अगर हम लोग पढ़ा जाए कहानी को, तो जो बच्चे होते हैं कविता की तरह कहानियाँ भी उन्हें अच्छी लगती हैं, कविता भी हम लोगों ने देखा अच्छी लगती हैं, तरह कहानियाँ भी अच्छी लगती हैं। ये बच्चों को नई उड़ान देती हैं और क्या करती हैं, ये उसे नई दुनिया में लेकर जाती हैं। जैसे हम लोग सुनाते हैं, एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहा करता था, उसे अपने बात का बड़ा घमंड होता था। अब पालक के अंदर क्या होगी, उसकी प्रतिबिंब बनना शुरू होगी, वह अपने आप को जंगल में महसूस करना शुरू करता है। तो कहीं ना कहीं या उसके दिमाग में बालक के अंदर कल्पना विकसित करेगा। क्या कहानी, ये भी एक पाठ्यपुस्तक का ही तो रोल है। बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक में रोचक कहानियों को स्थान देना चाहिए। कैसी कहानियाँ, जो रोचक, जो उनके जिज्ञासाओं को बढ़ा दे, उन्हें कल्पनाशील बना दे, वो तर्क करना शुरू करें, विश्लेषण करना शुरू करें, संवाद करें, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करना सीखे और भाषा को सीखते भी चले साथ ही साथ। अध्यापक को चाहिए कि वे कहानियों को स्वयं उतार चढ़ाव के साथ, हाव भाव के साथ बच्चों को सुनाएं। इससे बच्चे उसमें खो जाएंगे। जैसे अभी हम आपको पढ़ाते समय जिस हाव भाव का प्रयोग कर रहे थे, इसी तरह अध्यापकों को कहानियाँ पढ़ाते समय अपने हाव भाव का भी प्रयोग करते रहना चाहिए। कहानियों में उतार चढ़ाव का, एक समय की बात है, एक राजा रहा करता था, उसके दो राजकुमार थे, दोनों राजकुमार राजगद्दी को लेकर आपस में लड़ा करते थे। राजा इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहा करता था कि उसके मरने के बाद उसकी राजगद्दी कौन संभालेगा। उसने यह सोचा, क्यों न हम इन बालकों को, इन राजकुमारों में एक प्रतियोगिता करा देते हैं, उस प्रतियोगिता के बाद जो विजयी होगा हम उसे राजगद्दी देंगे। तो इस तरह से कहानियों को उतार चढ़ाव कराएंगे। तो बच्चों के अंदर क्या होता है, जब वो कहानियाँ सुनते हैं तो कहानियों ने लंबे समय तक याद रहती है, वो उन कहानियों में कल्पना करते हैं, वो उसमें काल्पनिक, वह किसी भी, कभी कभी किसी पात्र को, खासकर नायक के पात्र को स्वयं अपने आप को मानकर उससे क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, और ये सोचते हैं कहानी में आगे क्या घटित होने वाला, वो उस बात की कल्पना करते हैं, और इस प्रकार उनके अंदर एक नए सृजन का विकास होता है, अपने आप में वो एक नए संसार का विचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं बालक के अंदर विकास के लिए कहानियाँ भी एक महत्वपूर्ण साधन होती हैं। हमारे देश में कहानियों को गौरवशाली परंपरा है, और इस अध्यापक को पाठ्यपुस्तक में दी गई कहानियों के अतिरिक्त पारंपरिक कहानियाँ तथा अलग अलग देशों की, क्षेत्रों की लोक कथाएँ भी बच्चों को सुनानी चाहिए। जैसे रामायण की, महाभारत की, भारत की, कि देश का नाम भारत क्यों पड़ा, ये सभी कहानियाँ हम उन्हें सुना के उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, एक मिनट की पानी पी लेते हैं हम। ठीक, तो हमने देखा कि विक्रमादित्य की कहानियाँ, अब जैसे पारंपरिक कहानी की बात है, कुछ कहानी पारंपरिक हमारे देश में आ रही है, जैसे विक्रमादित्य की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, जातक कथाएँ, ये सब पारंपरिक कहानियाँ मानती हैं। इन्हें बालकों को बताना चाहिए, सुनाना चाहिए लयबद्ध तरीके से, क्योंकि वो अपने आप में भी किसी पात्र को लेकर उनके कल्पनाशील हो जाते हैं। कहानी सुनते समय बच्चे अनुमान लगा लेते हैं, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, इस नाते वो अलग अलग कल्पनाएं करते हैं, उनके मन में अलग अलग कल्पनाएं बनती हैं। अनुमान सही होने पर बच्चे आनंदित होते हैं, उनका आत्मविश्वास और ऊपर जाता है,
जब कहानियां जो कल्पना करते हैं आगे क्या होगा और वो घटना घट जाती है तो बालक अपने आप में काफी आनंदित महसूस करते हैं। कहानी सुनते हुए बच्चे साक्षर नहीं बने हैं, वो अपनी वास्तविक दुनिया में कई काल्पनिक दुनिया बनाते हैं। उसमें साक्षर हो या ना, कि उसी कहानी में वो अपनी नई नई दुनिया का सृजन करते हैं, अपने अंदर कई दुनिया को बनाते हैं, वो नई नई दुनिया के बारे में सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये कहानियाँ होती हैं ये उनके सृजन शक्ति का सबसे ज़्यादा विकास करती हैं। जब बच्चे पहले सुनी कहानी को जो अनुमान लगाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, पढ़ना सीख जाते हैं, उनके अंदर भाषा ज्ञान विकसित होता है। बच्चों को पढ़ना सीखना सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे वही पढ़े जो सार्थक हो, क्या हो, निरर्थक ना पढ़ाएं जो सार्थक हो। कहानियां बच्चों के लिए एक सार्थक दुनिया का निर्माण करती है, क्योंकि जिज्ञासु है, हम लगातार कहते हैं उनके कल्पनाओं के अंकुर फूटते हैं और कहानी से जो संदेश प्राप्त होता है वो बच्चों की अच्छी आदतें, अच्छे व्यवहार और उनके अंदर ज्ञान का भी सृजन करता है। और हमें हमेशा कहानी के अंत में ये जरूर पूछना चाहिए, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, और सभी बालक उसे बताएंगे और कहानी के बीच बीच में प्रश्न भी बनाते रहना चाहिए ताकि उनका ध्यान भी कहानी पर बना रहे। और इससे हम बालकों को भाषा ज्ञान, पाठ्यपुस्तक में बाल साहित्य, कविताएं और कहानियों के माध्यम से हम उन्हें भाषा ही ज्ञान दे पाएंगे। और उम्मीद करते हैं आपको ये सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्पीड तेज लगे स्लो करके आप दोबारा सुनिएगा, तिबारा सुनिएगा, ये जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे उतना ही आपके परीक्षा में बेहतर अंक अर्जित करने में मदद मिलेगी। इसी क्रम में हम लोग आगे भी पढ़ते रहेंगे और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बेहतर लगा होगा। बेहतर का मतलब जब आप बेहतर स्कोर करते हैं तो आप टेलीग्राम में इंस्टॉल कर सर्च करके दुर्गेश, साथ ही साथ हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर इलर्निंग दुर्गेश उससे आप इंस्टॉल करिएगा। और इसके साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।